वहाँ से थोड़ा आइडिया था लेकिन 1996 में मीरा ने इसको स्टार्ट किया। मीरा जो था पहले वो प्रथम जो है ऑर्गेनाइजेशन प्रथम में वो काम करते थे और अहमदाबाद में प्रथम का काम मीरा ने शुरू किया था। उन्होंने प्रथम के अंदर काफ़ी बच्चों को एनरोल करवाया म्यूनिसिपल स्कूल्स में या गवर्नमेंट स्कूल्स में, लेकिन दो साल में उसमें से करीब 90% जो बच्चे थे वो वापस ड्रॉप आउट हो गए। तो ये जब उनकी टीम में कोर टीम में जब डिस्कस हुआ तो निकल के ये आया कि इनका जो लाइवलीहुड है वो लाइवलीहुड का इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम निकल के आया था। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना था प्रथम में कि हमको लाइवलीहुड पे काम करना चाहिए, और उस वक्त अहमदाबाद में एकदम एडहॉक बॉडी था प्रथम का जो काम कर रहा था यहाँ पे, जिसमें सुनील हाडा करके एकलव्य फाउंडेशन में है, एक आईएएस ऑफिसर थी गौरी कुमार करके, वो भी उसमें इन्वॉल्व थी, प्रसाद थे उसमें, एक आईएम के प्रोफेसर थे वो थे उसमें, और मीरा थे। तो इन लोगों का एक एडहॉक बॉडी था। लेकिन फिर उसमें ये दो साल के प्रोसेस के बाद थोड़ा इन्वॉल्वमेंट इसका भी हुआ, निर्मला निकेतन का थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उसमें होने लगा, और उसमें फिर थोड़ा बहुत आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने लगे, तो फिर मीरा ने प्रथम छोड़ दिया। लेकिन ये जो बच्चे थे जो एरिया में वो काम करते थे उनके साथ एक लगाव उनको हुआ था, और जो इश्यूज थे वो सही इश्यू थे उसको वहाँ पे एड्रेस नहीं किया जाता था, सिर्फ एजुकेशन का काम होता था। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं खुद इसमें काम करना चाहती हूँ, तो उन्होंने CFD को रजिस्टर करवाया। और तब BSc में आई वॉज वर्किंग इन BSc बिहेवियरल साइंस सेंटर जहाँ पे प्रसाद अभी है। तो BSc में एक छोटा सा प्रोग्राम चलता था सपोर्ट टू स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन करके SSO, जिसमें 2000 फेलोशिप देते थे पर मंथ फॉर 6 मंथ का टाइम पीरियड के लिए। तो फेलोशिप मीरा को दिया उन लोगों ने BSc ने, और वहाँ से उन लोग मीरा ने काम करना शुरू किया। उसके बाद IGSS जो इंडो ग्लोबल सर्विस सोसाइटी है, अभी पहले इंडो जर्मन सर्विस सोसाइटी था, वो दिल्ली बेस्ड है, उसका स्माइल फेलोशिप उनको मिला एक साल का। और उसमें से फिर अहमदाबाद में भिलवास करके एक एरिया है जहाँ पे प्रथम का काम मीरा ने पहले शुरू किया था, तो उसी एरिया में जो बच्चे हैं उनके साथ एजुकेशन और उनके पेरेंट्स के साथ लाइवलीहुड का प्रोग्राम मीरा ने शुरू किया। फिर उसके बाद IGSS ने उनको 3 साल का सपोर्ट दिया, प्रोग्राम सपोर्ट दिया, प्रोजेक्ट सपोर्ट दिया, और उसमें से CFD का काम फिर आगे शुरू हुआ। जब एक लेवल पे काम पहुंचा था भिलवास एरिया में, तब 2002 का रायट हुआ, दंगा हुआ, और भिलवास एरिया में ही हमारा सेंटर था CFD का, एक छोटा सा मकान रेंट पे लिया हुआ था जहाँ पे सुबह बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, एजुकेशन के लिए आते थे, और दोपहर के बाद दोपहर और शाम के बीच में जो उनकी मदर्स थी वो वहाँ पे सिलाई और दूसरा काम करने के लिए आती थी, प्रोडक्शन के लिए आती थी, और शाम को फिर वापस वहाँ पे एजुकेशन का काम चलता था। तो उस एरिया को 2002 में मुस्लिमों के द्वारा अटैक हुआ उस एरिया पे, और पूरे जो भी झोपड़पट्टी थी सबको जला दिया गया। अब हमने तपास किया कि ऐसा क्यों हुआ, तो बेसिकली वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर एक दूसरा छोटा सा पॉकेट है, उसका नाम है आबाद नगर करके। तो आबाद नगर पे अटैक हुआ था, जो मुस्लिम पॉकेट था वो अटैक किया था दलितों ने, और उसके पूरे एरिया जो है वो पूरा आबाद नगर का जो पॉकेट था उसको ख़त्म कर दिया था। तो उसके रिटालिएशन में मुस्लिमों ने यहाँ पे अटैक किया था। तो तब फिर ये हमने 2-3 महीने तक तो वहाँ पे जा नहीं पाए थे उस भिलवास एरिया के अंदर। फिर उसके बाद जब गए तब हमको पता चला, लोगों से मिले, बहनों से मिले वहाँ के जो हमारे साथ जुड़ी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपको इसमें काम, ये जो मुद्दा है इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। तब सिटीजन इनिशिएटिव करके एक नेटवर्क यहाँ पे बना था गुजरात में, जिसके थ्रू ये सब रिस्पॉन्सेज NGOs और इंडिविजुअल्स के रिस्पॉन्सेज रिलीफ कैंप में जाते थे। तो उसमें हमने फिर काफ़ी डिस्कशन होने लगे, लोग मिलते थे, डिस्कशन होने लगे। तो तब ये NGO यानी हम लोगों को भी ये लगा कि कम्युनलिज्म NGO का कभी एजेंडा नहीं था 2002 से पहले। वाटर था, एनवायरमेंट था, राइट्स था, लैंड था, ये सब इश्यूज थे, लेकिन वायलेंस, कम्युनल वायलेंस या कम्युनलिज्म वो इश्यू नहीं था। लेकिन अब ये इश्यू के ऊपर भी हमको सोचना चाहिए और काम करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ CFD ने भी कम्युनलिज्म के इश्यू के ऊपर काम करना फिर तब तय किया। और शुरुआत कहाँ से करें, तो एक भिलवास
और दूसरा बिल्वास क्यों हुआ, तो कि आबाद नगर की वजह से हुआ। तो आबाद नगर ये दो इस एरिया से ये पूरे काम की शुरुआत की हमने, पीस और रिकन्सिलिएशन की। तब हम उसको पीस और रिकन्सिलिएशन बोलते थे। जस्टिस अभी तीन साल के बाद पहले से हम लोग बोलना शुरू किए, पहले पीस और रिकन्सिलिएशन की बात हुई। उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज हमने किया कि दोनों एरिया में से जो विक्टिम यूथ था और जो एग्रेसर यूथ था, उसमें से कुछ लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया, छूटा उनको उनमें से, और उनके साथ एक हमने कैंप किया था, पूरा प्रोसेस किया था 6 मंथ का, कि ये लोग क्यों इसमें इन्वॉल्व हुए, क्या वजह थी, किसने इनको इंस्टिगेट किया, कहाँ से इनको सपोर्ट मिला और इसकी इम्पैक्ट क्या अभी वो लोग देख रहे हैं। तो ये सब थोड़ा उनके साथ काफ़ी डायलॉग हुए। रात को मीटिंग चलती थी जब लोग फ्री होते थे, रिलीफ कैंप में हम लोग जब जाते थे तब इनके साथ मीटिंग हम लोग करते थे। और हम एक जो हमने स्टेप लिया कि इनको विद इन टीम, हमने ये सोचा कि इनको अगर ये माहौल से अगर बाहर ले जाते हैं तो ये शायद खुल के कुछ और ज़्यादा बता पाएंगे। तो ऐसे 28 यूथ को हमने आइडेंटिफाई किया और उनको लेकर के हम लोग पंचमढ़ी चले गए फॉर 10 डेज। तो पंचमढ़ी में हम लोग उनके साथ रहे और तब निमहांस का एक बंदा हमारे साथ था, यहाँ पे वो वहाँ पे हमारे साथ आया था, सुभाशीष करके, और वहाँ पे पूरा इनके साथ इनको खुलने का, यानी खोलने का इनको प्रोसेस किया कि आपके मन में क्या है, क्या आप लोग सोचते हैं, क्यों ऐसा किया आप लोगों ने। तो वो सब काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें उसमें से निकल के आई और वही जो ग्रुप था उसको फिर हमने बिल्ड करना शुरू किया। और उसमें पहले तो ये दोनों एरिया के और ज़्यादा यूथ को इसमें इन्वॉल्व किया हमने और इनके साथ अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए, इनको के साथ कैंपिंग किया, ट्रैकिंग किया, ताकि एक बॉन्ड इनके बीच में जो ख़त्म हो चुका था, पहले था लेकिन ये 2002 के में उसको एकदम डायल्यूट हुआ, जो ख़त्म हो गया उसको वापस हम लोग जोड़ सकें, ऐसी कोशिश थी। वहाँ पे फिर हमने लाइब्रेरी शुरू की कॉमन, और दोनों जो यूथ थे और एरिया के जो दूसरे लोग थे वो लोग भी उसमें आने का। दो ही एरिया में यस। इसके बाद ये पूरा जो एक्टिविटी जो चल रहा था इसको केयर इंडिया ने सपोर्ट किया था उस वक्त, और उसका नाम था गुजरात हारमोनी प्रोजेक्ट करके, और उसमें भी अगेन 6 या 7 ऑर्गेनाइजेशन थे साथ में मिलकर ये पूरा प्रोजेक्ट कर रहे थे। उसके बाद जब गुजराती केयर इंडिया का सपोर्ट ख़त्म हुआ, तब मैं मुझे एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया था बॉम्बे में, जहाँ पे मेंशन मेट इन मिसी करके एक नीदरलैंड का एम्बेसी, नीदरलैंड का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसका बंदा आया हुआ था और डॉक्टर असगर अली ने मीटिंग बुलाया था उसमें, तो मैं भी गया था वहाँ पे। उनके साथ बात हुआ, ये पूरा जो हमारा एक्सपीरियंस था वो उनके साथ शेयर किया, तो उन्होंने, उनको काफ़ी इंटरेस्ट पड़ा कि मैं इसको सपोर्ट करना चाहता हूँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग। तो तब से वो सपोर्ट 2006 से ऑलमोस्ट ये सपोर्ट अभी तक चालू है उन लोगों का। और इसमें ये है कि पहला हमारा फोकस ये था कि जो ये दो एरिया है, इस दो एरिया को हम सिक्योर करें, पूरे अहमदाबाद की, पूरे गुजरात की कम्युनलिज्म के ऊपर हम लोग बात नहीं करें, सिर्फ आबाद नगर और बिलवास, अगर ये दो एरिया सिक्योर होते हैं, भले कुछ भी हो जाए अहमदाबाद में, लेकिन ये दो एरिया में कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से लोगों को बिल्ड करें, लोगों का जो मानसिकता है उसको हम लोग समझें और उनको चेंज करने की कोशिश करें। तो उसके अंदर काफ़ी हद तक ये दो एरिया के अंदर हमको सफलता मिली, क्योंकि 2002 के बाद इन 2004-05 में बीजेपी ने यहाँ पे रथ यात्रा निकालने का कोशिश किया था, निकाली भी थी अहमदाबाद में रथ यात्रा, लेकिन इस एरिया के अंदर जब वो लोग अप्रोच करने के लिए गए इसी यूथ को, तो उन लोगों ने मना कर दिया कि हम तुम्हारे साथ जुड़ने वाले नहीं हैं। और इन लोगों ने पूरे एरिया में डोर टू डोर हर घर जाके बताया कि किसी को भी ये यात्रा में सपोर्ट नहीं करने का है, पर हमको इसमें नहीं पड़ना है क्योंकि इससे हमारी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती है, नुकसान होता है हमको। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग, एक पूरा जो ग्रुप था वो इस तरह से बिल्ड हुआ। अभी भी काफ़ी हैं उसमें से एक्टिव मेंबर्स हैं, अब्बास भाई करके, अभी तो वो भी हो गए 48 ईयर के हो गए, तब वो 38 के थे यंग। चाय की उनका वो है, चाय का स्टॉल है, अभी भी चाय की स्टॉल चलाते हैं आबाद नगर में। दूसरे काफ़ी लोग थे, कोई सुथार है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, तो इस तरह के सब बंदे थे उसके अंदर, कोई कलर काम करता है, डाइंग करता है।
तो उसमें से फिर पूरा इसको बिल्ड किया। फिर जब ये नेदर ये एम्बेसी वालों के साथ जब वो लोग विजिट के लिए आए, हम लोग उनको लेके गए एरिया के अंदर, तो उन्होंने ये सुझाव दिया कि ऐसे कोई दूसरे एरिया पॉकेट्स हैं कि जहाँ पे इस तरह के कम्युनल क्लैश होते हैं। तो हमने उनसे कहा कि हाँ ऐसे दूसरे एरियाज हैं, तो उन्होंने कहा कि फिर आप वहाँ पे काम करना शुरू कीजिए, हम आपको उसमें भी सपोर्ट करेंगे। तो ये दो एरिया से फिर हमने स्लोली ग्रेजुअली पहले 6 एरिया लिए और अभी हम लोग 12 जो अलग अलग पॉकेट्स है एरिया है उसके अंदर अभी हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, और मोस्टली दलित और मुस्लिम दोनों यूथ के साथ इंटरवेंशन है पर्टिकुलर इस 12 12 एरिया है उनके पॉकेट्स। ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? इसमें एक हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, उसको मंच बनाया है, बेसिकली इट्स अ मंच फोरम, उसको नाम दिया है अहमदाबाद शहरी युवा मंच। और उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो पॉकेट है वो पॉकेट में से जो मेंबरशिप होती है वो पॉकेट लेवल पे होगी, एरिया लेवल पे होगी। अब जैसे दाड़ी लिमड़ा एरिया है, इट्स अ वार्ड, तो वहाँ पे 4 अलग अलग ऐसे जगह है जहाँ पे हमारा इंटरवेंशन चलता है। आप दाड़ी लिमड़ा का पॉपुलेशन है करीब 1 लाख, तो 1 लाख में से 300-400 यूथ के साथ यहाँ पे काम चलता है, 50-100 यूथ के साथ यहाँ पे काम चलता है, 100-150 यूथ के साथ यहाँ पे काम चलता है। तो वो हमारे माइक्रो लेवल यूथ ग्रुप हो गए, जिसको हम MLYG बोलते हैं, और वहाँ से वो मेंबरशिप होके वार्ड लेवल पे आएगी। फिर वार्ड लेवल पे से वो लोग सिलेक्ट करेंगे कि आप सिटी लेवल पे कौन जाएगा, तो वहाँ से फिर सिटी लेवल पे आएगा, और उसमें से फिर एक एक वर्किंग कमेटी होगी, वो इलेक्ट होगी, और वो लोग फिर पूरा इसको देखेंगे। तो इस तरह का एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर हमने बनाया है। करीब 48 ML MLYG है, अभी 28 MLYG है, और हर अप्रोक्सीमेट एवरेज 40-50 यूथ है पर MLYG, उसमें मेंबर है, यानी 1500-2000 जितनी मेंबरशिप है उसकी। उनसे कांटेक्ट में कैसे रहते हैं? अच्छा, उसमें कांटेक्ट उसके लिए हमने KBC स्टार्ट किया है, नॉलेज बिल्डिंग सेंटर्स। ये बेसिकली हमने नाम लिया था ये कौन बनेगा करोड़पति से, KBC, क्योंकि वो इजी है ना, सबको तुरंत एकदम बाय हार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे हम लोग एक इट्स अ कॉमन स्पेस, कोई वहाँ पे रूम या मकान ऐसा नहीं है, कॉमन स्पेस है जहाँ पे रोज जब फ्री होते हैं शाम के टाइम पे तो इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो उसी कॉमन स्पेस पे हमने ऐसा बोर्ड रखा है लाइब्रेरी का, लाइब्रेरी टाइप, जहाँ पे न्यूज़ मैगजीन्स आती है, न्यूज़पेपर्स आते हैं हर रोज़, तो वहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, शाम को पढ़ते हैं। कुछ लोग हैं वो अर्ली मॉर्निंग, बड़े एज के जो लोग हैं वो अर्ली मॉर्निंग में आते हैं, 2-3 घंटे वहीं पे बैठते हैं पढ़ते हैं। तो वहाँ पे हमने हमको अगर कुछ भी मैसेज देना है तो ये KBC पे जो एक बंदा हैगा कोऑर्डिनेटर, उसको हम बोल देंगे, वो वहाँ पे लिख देगा कि आज ये है, ये न्यूज़ है, ये तारीख को ये मीटिंग है, इस तरह से। तो पूरे जितने भी मेम्बर्स हैं वो सबको पता चल जाएगा, और जो जो भी KBC है सब वॉलेंट्रीली वो लोग मैनेज करते हैं, उसके लिए कोई एक भी पैसा हमको देना नहीं पड़ता है, सिर्फ न्यूज़पेपर का पैसा जो बिल है वो हम लोग पे करते हैं, दैट्स ऑल। तो और अगर सबको कॉमन मीटिंग, जैसे हम लोग क्वार्टरली मिलते हैं, ये जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं और उसके जो दूसरे भी एक्टिव जो मेंबर्स हैं, हम लोग क्वार्टरली मिलते हैं, तो जनरली हम लोग BSC में मिलते हैं, प्रसाद जहाँ पे बैठते हैं उसी ऑर्गेनाइजेशन में, एंड दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग। तो लोग खुद के पैसे से आते हैं, हम लोग चाय पानी बिस्किट वगैरह वहाँ पे अरेंज कर देते हैं बस। फिर बीच में हमने 3 साल पहले एक एक्टिविटी शुरू किया था स्टडी सर्कल का, तो हर KBC में हम लोग एवरी 15 मंथ एक मरतबा, जैसे आप राजू सोलंकी की बात करते हैं, उनको भी बुलाया हुआ है हमने यूथ के साथ बात करने के लिए कि क्या इश्यूज है, दलितों के इश्यू क्या है, क्या चल रहा है, किस तरह से जो फोर्सेस है वो उनको गुमराह करती है हमारे लिए। तो इस अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग लोगों को बुलाते हैं और उनके साथ डिस्कशन होता है वहाँ पर, लेकिन वो हर सेंटर पे फिर करना थोड़ा मुश्किल था, मैनेजेबल नहीं हो रहा था हमारे से। तो फिर ये क्वार्टरली जो है उसके अंदर उनको बुला लेते हैं ऐसे लोगों को, तो वहाँ पे 40-50 यूथ होता है अलग अलग सेंटर से आते हैं, तो वो लोग फिर वहाँ पे उनको सुनते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर होता है, फिर वो बाद में उनके एरिया में जा करके दूसरे
यूथ के साथ बात करते हैं, तो एक पूरा इस तरह का एक कैडर बिल्डिंग का काम किया है उसमें, पीस और रिकन्सिलिएशन। फिर अब पीस और जस्टिस के ऊपर आए। जस्टिस बेसिकली हम लोग लीगली हम लोग कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है, सीएफटी के कोई केस लड़ना है या इस तरह से हम लोग इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जो 2002 का जो अपना नरोड़ा पाटिया नरोड़ा गांव के जो विक्टिम्स है उनको जो तैयार करना है कोर्ट में, जब वो लोग बयान देंगे कोर्ट में, तो वो बयान किस तरह से देना है, क्या आपको बोलना है क्या नहीं बोलना है, आपका स्टेटमेंट ओरिजिनल क्या था, तो वो सब तैयार करने में हम लोग इन सपोर्ट करते हैं। तो बीएससी का एक पूरा लीगल टीम है एडवोकेट्स का, उनके साथ जा करके हम हमारे जो वॉलेंटियर्स हैं वो लोग तैयार करते हैं। सर एक तरह से ये काम तो आप पहले से ही कर रहे हैं, वैसे उसके साथ बात कर रहे हैं। हाँ, तो चल रहा है पहले से कर रहे हैं स्पेशली। ये राइट टू एजुकेशन, ये जो काम हमने शुरू किया करीब 2005 से शुरू किया था, ये एक अलग छोटा सा एक एरिया है जो इसमें नहीं है मैप में, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो जहाँ पे सोमनाथ टेम्पल है, तो वहाँ पे मीरा के एक ब्रदर वहाँ पे रहते थे, तो हम लोग जनरली वहाँ पे जाते थे वैकेशंस में, उनका वाड़ी था बड़ा सा, हम लोग 10-15 दिन वहाँ पे रुकते थे। तो दूसरे गांव में भी हम लोग फिर घूमते हुए जाते थे, तो वहाँ पे पता चला कि कुछ गांव में बहुत हालत ख़राब है लोगों की, यानी पूरे गांव में से 90% लोग हैं वो मजदूरी करते हैं, ऐसी हालत, और उनके बच्चे वहाँ पे व्यसन बहुत ज़्यादा था, एडिक्शन टोबेको और उसका सब एडिक्शन बहुत ज़्यादा था। तो हमने ये सोचा कि अगर यहाँ पे कुछ एजुकेशन की एक्टिविटी शुरू की जाए बच्चों के साथ, तो एटलीस्ट ये जो बच्चे हैं जो ऐसे ही उधर घूमते हैं जस्ट पूरे गांव में अखा दिन, तो उनको हम लोग कुछ पढ़ा सके, कुछ उनको सिखा सके। तो ये एम से दो गांव में हमने शुरू किया था काम, डाभोर और डारी करके, बेरावल के पास ही दोनों गांव हैं, और पूरा गांव जो है मजूरिया, उसको मजूरिया गांव बोलते हैं, डाभोर और डारी। अच्छा, उसके लिए हमारे पास पैसे तो थे नहीं, फंड नहीं था, तो हमने क्या, हमारे जो फ्रेंड सर्कल था उसमें हमने बताया कि आप लोग इसके लिए सपोर्ट करो, क्योंकि तब हमको टोटल कुछ 3 या 4 हज़ार पर मंथ चाहिए होता था, और उसमें से हम लोग कर लेते थे, दो सेंटर चलते थे जिसमें उस वक्त करीब 80-90 बच्चे पर सेंटर आते थे। और ये स्टार्ट किया तब वहाँ पे जो लोकल उनके कम्युनिटी लीडर्स थे उनको भी हम लोग मिले थे, उनके ज्ञाति के जाति के जो पंच होते हैं उनसे भी हम लोग मिले थे, तो कुछ सपोर्ट उन लोगों ने भी किया था इसको स्टार्ट कराने में। फिर हम दूसरा आइडिया ये आया, मैं एक बॉम्बे कॉन्फ्रेंस में गया था, वहाँ पे एक बंदा मुझे मिला, माहिम में उनका ऑर्गेनाइजेशन था, और वो लोग स्क्रैप कलेक्ट करते थे इन डोनेशन, स्क्रैप को बेच देते थे वो, और उसमें से फंड जनरेट होता था, तो हमने वो यहाँ पे शुरू किया। तो हमने पेपर स्क्रैप से शुरू किया और उसमें से वो काफ़ी अच्छा चला, अभी तो बहुत अच्छे लेवल पे वो पहुँच गया है, लेकिन शुरुआत उस वक्त हमने किया था 2006 से। तो पेपर स्क्रैप में से हमको 3-4 हज़ार रुपया मंथली हमको मिल जाता था, तो उसमें से वो पूरा प्रोजेक्ट हम लोग दो गांव में चलाते थे। उसके बाद हमारे एक दोस्त हैं, ही वॉज ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन, जेसुइट है फादर, तो वो हमारे साथ आए एक मरतबा घूमने के लिए सोमनाथ, तो हम उनको लेके गए, तो उनको पता था कि दो गांव में हम लोग इस तरह से चलाते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे को देखना है, तो वो देखने के लिए आए ने, ही वॉज क्वाइट इम्प्रेस, लोगों से बात किया, बच्चों से बात किया, आधा दिन उन लोगों ने बच्चों के साथ बिताया उनने। तो जब हम लोग रिटर्न में आए तो उन्होंने कहा कि हमको इसको एक्सपांड करना है ये काम को, तो हमने बोला कि हमारे पास फंड नहीं है फादर, कहाँ से, ये तो हम पेपर स्क्रैप कलेक्ट करके इसी चला रहे, तो उन्होंने कहा आप फंड की चिंता मत करो, फंड मैं तुमको दूंगा, लेकिन हम इसको दूसरे जो इसी तरह के जो दूसरे गांव है जहाँ पे बच्चे एकदम नीडी सिचुएशन में, वहाँ पे अपने शुरू करते हैं। तो फिर 8 मोर विलेजेस हमने आइडेंटिफाई किए और वहाँ पे वो काम शुरू किया, तो 10 गांव में वो काम अभी भी चल रहा है, करीब आज 5-6 साल हो गए, 6-7 साल हो गए उनके सपोर्ट से वो काम चल रहा है अभी भी।
तो इस तरह से एक रूरल के अंदर हमने काम, यानी फर्स्ट टाइम एक इंटरवेंशन थोड़ा प्लान और डिज़ाइन वे में हमने स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद इन 2008 सेव द चिल्ड्रन ने हमको अप्रोच किया कि हमको यहाँ पे चाइल्ड राइट्स के ऊपर, बेसिकली जो चाइल्ड लेबर है जो कॉटन फार्मिंग में काम करते हैं, उनके साथ हमको काम करना है, तो इसमें आपका क्या कहना है, आपका क्या सजेशन है? तो हमने उनको कुछ चार पांच ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए जो लोग रूरल में काम कर रहे थे। पहले हमने मना किया कि हमको काम नहीं करना है इसमें, क्योंकि हमारा इतना एक्सपीरियंस नहीं है रूरल में, जो छोटा सा एक्सपीरियंस है वो वहाँ पे हमारा वेरावल में है। और सेव द चिल्ड्रन का जो एरिया था वो भी काफ़ी फिक्स था कि इसी डिस्ट्रिक्ट में हमको काम करना है। तो लेकिन उन लोगों ने 3 मरतबा वो आए हमारे पास, अप्रोच किया कि नहीं आप हमारे पार्टनर बनो, हमारे साथ काम करो आप। 3 मरतबा हमने ना बोला। फिर उनका जो कंट्री थीम जो डायरेक्टर है वो आया था यहाँ पे, उसने मीरा को बोला कि नहीं आपको हमको पार्टनर बनाना ही है, आप भले ना कह रहे हम जबरदस्ती बनाना चाहते हैं इस तरह से। फिर हम उसके अंदर एग्री हुए और उसके बाद जो पूरा ये बावला और धंधु का जो ब्लॉक है उसमें सेव द चिल्ड्रन की तरफ से फिर काम करना हमने शुरू किया था इन 80 विलेजेस। टोटल प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा था, 4 डिस्ट्रिक्ट्स में था, टोटल 8 पार्टनर्स वेयर दैट CFD वॉज वन ऑफ दैट, और 80 विलेजेस में ये पूरा प्रोजेक्ट था जिसमें से 80 विलेजेस हमारे पास थे। लेकिन उसमें जो हमने थोड़ा उसमें मॉडिफिकेशन किया कि उनको ये था कि कोई कंट्रोवर्शियल उसमें नहीं जाना है, जिस तरह से रहता है उनका एक्सटेंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो हमने उनके साथ नेगोशिएट किया कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, आप सॉफ्ट सॉफ्ट एक्टिविटी करेंगे या सॉफ्टली रहेंगे तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं आने वाला है, चेंज आना लाना है तो फिर कुछ ठोस कदम वहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हटके, प्रोजेक्ट से हटके भी हमने वहाँ पे काम किया। 2-3 गाँव में हमने FIR पुलिस केस भी हुआ, हम पे हुआ, हमने सामने पुलिस केस किया, क्योंकि कुछ ऐसे मिसक्रंट थे जो बजट, जो स्कूल का जो बजट होता है उसमें करप्शन हो रहा था, कंस्ट्रक्शन जो स्कूल का चल रहा था उसमें करप्शन हो रहा था, तो उसको लेकर के काफ़ी इश्यूज जो हमने वहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जो RTE का एक मेन फंक्शन है, स्ट्रेंथ है RTE की, बेसिकली राइट टू एजुकेशन की, तो उसको सेट करने का, उसको फॉर्म करने का और उसको एम्पावर करने का, स्ट्रेंथन करने का एक पूरा हमने वहाँ पे कैंपेन शुरू किया था और उसका काफ़ी इफेक्ट हुआ और काफ़ी लोग हैं वो सामने से, यानी खुल के बाहर आए कि नहीं अभी तक जो हमारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्कूल का था वो एकदम खराब था, हम इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो वो लोग, ऐसे लोग कमेटी में आए और ये जो कमेटी है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, तो उसके पास पावर है लीगल, तो वो पावर का फिर उन लोगों को यूज़ करना शुरू किया, उसकी वजह से कई गांव में कॉन्फ्लिक्ट भी हुए लेकिन वो लोगों ने हैंडल किया और कुछ गांव के ऊपर हमारे जो लोग थे उनके ऊपर अटैक भी हुआ, एक दो जगह पे इनको बंद करके कमरे में बंद कर दिया गया 2-3 घंटे तक, तो फिर वहाँ पे हमको इंटरवेंशन करके पुलिस को इन्फॉर्म करके उनको बाहर निकालना पड़ा, तो इस तरह से हुआ। लेकिन अभी ये पूरे 80 विलेजेस में बच्चों के राइट्स के ऊपर काफ़ी अवेयरनेस आई है और करीब 600 जो बड़े फार्मर्स थे ये 80 विलेजेस में, उन लोगों ने प्लेज लिया है कि हम लोग बच्चों को लेबर के अंदर कभी नहीं रखेंगे। तो ये जो विलेजेस हैं आपके जो मैप में हैं, हाँ ये वो लेबर वाले मजूरिया टाइप हाँ वाले? हाँ वही विलेजेस है। और उसमें से अभी दूसरा एक ये भी नया डेवलपमेंट हुआ है कि जो धंधु का ब्लॉक है उसमें ये जो ब्लू कलर दिख रहा है हाँ ना, इट इज़ अ गल्फ ऑफ कैम्बे, तो ये पूरे पोर्शन में अभी धोलेरा SIR आ रहा है, ये पूरे पोर्शन में हाँ धोलेरा SIR जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बोलते हैं, और मोदी साहब का बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है वो, तो उस एरिया में अभी लैंड ग्रैबिंग फ्रॉम डोमिनेंट कास्ट वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो जो दलित कोळी कम्युनिटी के जो फार्मर्स हैं
उनका काफी लैंड है, वो वहाँ पे दरबार लोगों ने ले लिया है। तो जो लैंड ग्रैबिंग है वो गल्फ ऑफ खम्बाट के चारों तरफ है, क्योंकि उस नहीं, तरफ आनंद इस और तरफ है, इस इस तरफ तरफ है, वाला जो सिर्फ है। सिर्फ धनुका में, क्योंकि मैं जो धोलेरा बंदर है ना, ये धोलेरा है, और यहाँ से इनको पूरा पोर्ट बनाना है, धोलेरा पोर्ट। और धोलेरा ये जो सिटी बनाने की बात है वो सब इसी जगह पे है। लेकिन इट इज़ यहाँ पर दूसरी बात ये भी हो रही है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा वहाँ पे तो इसकी वजह से कई, यानी गुजरात के बाहर से भी काफ़ी लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। दो तीन गांव ऐसे हैं कि उसकी पूरी ज़मीन बिक गई है, तो ये काफ़ी बड़ा, यानी एक वहाँ पे नेक्सस पॉलिटिकल पार्टी और जो डोमिनेंट कास्ट है वो दोनों के बीच में चल रहा है। तो वो इश्यू भी अभी हम लोग हाथ पे लिए हैं, सिर्फ पिछले एक साल से। उसमें अभी हम लोगों ने थोड़ा इन्वेस्टिगेशन भी किया है, डेटा भी हमारे पास आए हैं। तो इसको, यानी ये जमीन पूरी है वो सलाइन लैंड है, कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे। 3,000 बीघा पे वो जमीन लेने के लिए कोई तैयार नहीं था, आज उसका 5 लाख बीघा है। और 3,000 5,000 में इन लोगों ने जो फार्मर्स थे ठीक उनके पास से ले लिया है, डरा के धमका के, और आज वो लोग 5 5 लाख में बेच रहे हैं बाहर की पार्टीज को। तो इस तरह से काफी वहाँ पे इश्यू अभी हुआ है वगैरह में। तो आपका ये एक फाइनल क्वेश्चन, पीस एंड जस्टिस का जो ये है हाँ, प्रोजेक्ट जो है, ये जो सर्वे का, ये कैसे शुरू हुआ, कब? ये जो है एक दूसरा हमने जो स्टडी अभी लिया, यानी स्टेटस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन गुजरात, और उसमें खास करके दो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं, मुस्लिम और क्रिश्चियन, तो ये दोनों को टारगेट करके ये अभी हम लोग ने स्टडी लिया है। ये बेसिकली स्टार्ट ऐसे हुआ कि हम लोग पार्टनर, जो हमारा अलायंस का जो पार्टनर्स है, उनका मीटिंग में हम लोग ये बात कर रहे थे कि पिछले, यानी 15 साल का जो, या तो 85 के बाद से जो रायट्स होने लगे, और धीमे धीमे 90s में जो क्रिश्चियंस थे डांग में, क्रिश्चियन आदिवासीज, तो उनके ऊपर भी काफ़ी एट्रोसिटीज़ हुआ। फिर जो दलित कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, जो सेंट्रल गुजरात में काफ़ी ज़्यादा है, तो उनके ऊपर भी अभी एक पूरा उनके जो राइट्स हैं उनको ब्लॉक करने का पूरा एक कैंपेन विश्व हिंदू परिषद की तरफ से चल रहा है। उनका कहना ये है कि अगर ये दलित में से क्रिश्चियन हुए हैं तो भी इनका इनका एससी स्टेटस रहता नहीं है। तो ये एससी स्टेटस जो है उसके बेसिस पे इन लोगों ने जो भी जॉब लिया है, जो भी इनको बेनिफिट मिला है, वो सबको गवर्नमेंट को वापस लेना चाहिए। तो इस तरह का एक हेट कैंपेन सेंट्रल गुजरात में काफ़ी पिछले 3 4 साल से काफ़ी, यानी मजबूत होता जा रहा है। फिर उसके बाद जो मुस्लिम है, जो जनरल कॉम्युनल राइट्स के जो विक्टिम्स होते हैं, तो यानी ये तीनों कम्युनिटी को लेकर के वो लोग, इनकी धार्मिक आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी को लेकर के क्या मुश्किलें हैं, है कि नहीं है, तो किस तरह की मुश्किलें हैं, कौन से लेवल की मुश्किलें हैं, तो वो टू एक्सेस दोज डिस्क्रिमिनेशन डिफिकल्टीज, एक स्टडी हम लोग करें, ऐसा हम लोगों ने सोचा था। और इसके ये डिस्कशन के बाद नेदरलैंड एम्बेसी में हमारे जो एक पार्टनर है, उन लोग शायद अर्बन एरिया के अंदर इसको करेंगे, जैसे अहमदाबाद है, सूरत है, बड़ौदा है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उसके अंदर। लेकिन ये सपोर्ट मिलने के बाद ये सोचा कि 2002 में खास करके गाँव में भी ये पूरा फैल चुका है, और काफ़ी लोग हैं जो अभी तक उनके गाँव में वापस नहीं जा पाए हैं, अभी भी वो लोग कॉलोनीज में रहते हैं। तो डिस्कशन में ये भी निकला कि उन लोगों को भी हम इसके अंदर कंसिडर करें, उनको भी अंदर इन्वॉल्व करें, तो हम लोग ज़्यादा अच्छा बड़ा पिक्चर निकल पाएंगे इसमें से। तो फिर हर डिस्ट्रिक्ट में इसको हमने ले जाना तय किया। तो सब, यानी 26 डिस्ट्रिक्ट में से दो दो ब्लॉक हमने आइडेंटिफाई किए जहाँ पे मुस्लिम या तो क्रिश्चियन मेजोरिटी में रहते हैं, और जहाँ पे कॉम्युनल वायलेंस के इंसिडेंसेस पास्ट में हुए हैं। और तो ऐसे ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई किया हर डिस्ट्रिक्ट में से,
और वो हर ब्लॉक में से दो दो विलेज इसको आइडेंटिफाई किया, जहाँ पे अगेन माइनॉरिटी जो है वो अच्छे नंबर में रहती है और वहाँ पे कम्युनल इंसिडेंसेस हुए हैं। तो पहले तो यही निकल के आया कि जहाँ पे माइनॉरिटी का नंबर ज़्यादा है ऐसे विलेज में या ऐसे टाउन में कम्युनल क्लैश हुआ ही है, जहाँ पे माइनॉरिटी कम नंबर में है वहाँ पे क्लैश नहीं हुआ सिवाय 2002। तो जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि हमारी बराबरी की ताकत है तो वहाँ पे वो उनको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, और जहाँ पे ऑलरेडी ताकत कम है वहाँ तो 2002 में उनको दबा ही दिया है। तो ये प्राइमरी जस्ट एक फाइंडिंग तुरंत निकल के ही आया था। फिर हमने इनका तीन तरह के हमने क्वेश्चनर इसमें डेवलप किए हैं। एक है हाउस होल्ड क्वेश्चन कि उनके घर में क्या क्या उनको फैसिलिटीज़ हैं, वाटर सैनिटेशन, उनको कैसी कैसी सर्विसेज मिलती है जैसे हेल्थ है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये हाउस होल्ड का एक डेटा कलेक्शन हमने किया है। दूसरा एक फॉर्म हमने डेवलप किया है वो है हर हाउस होल्ड की सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन के कितने मेंबर्स हैं, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, वो कहाँ पे जॉब करते हैं, उनका लाइवलीहुड मीन्स क्या है, कितना उनको जॉब में से कितना पैसा मिलता है, कितना अगर लेबर करते हैं तो एक महीने में कितने दिन उनको काम मिलता है, कहाँ जाना पड़ता है, और वो सब इनको अगर कोई स्किल है तो वो स्किल उन्होंने कहाँ से लिया, इट्स अ ट्रेडिशनल स्किल किसी के पास से सीखा है या आईटीआई से लिया है। तो इस तरह के अलग अलग डेटा उसके अंदर हमने किए हैं। और एक तीसरा जो फॉर्म हमने डेवलप किया है वो है हेमलेट लेवल का फॉर्म है, जिसमें पर्टिकुलर जैसे ये मुस्लिम डोमिनेंट हेमलेट है तो वहाँ पे क्या सिचुएशन है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, और उसका एड ज्वाइनिंग जो अपर कास्ट या तो जो भी वहाँ पे दूसरी कम्युनिटी है उनका हेमलेट है वहाँ पे क्या सिचुएशन है। तो वो दोनों सिचुएशन अगर हम लोग टैप करते हैं तो अगर कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन है तो वहाँ से निकल के आएगा। तो इस तरह से तीन तरह की हमने फॉर्मेट डेवलप किया है। चौथा जो टूल इसमें है वो है केपीआई, यानी की पर्सन इंटरव्यू। तो हर ब्लॉक से ऐसे तीन चार लोगों को आइडेंटिफाई किया है और उनका हमने इंटरव्यू लिया है कि आपने पिछले 10 या 15 साल में यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्या चेंजेस देखे हैं आपने, ये चेंजेस क्यों हुए हैं और इसके पीछे कौन से लोग हैं, किस मेन इन्फ्लुएंसर, क्या 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 प्रोसेस रहा है। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चंस उसके लिए भी हमने डिज़ाइन किए थे केपीआई के लिए। तो ये चौथा टूल हमारा ये था केपीआई का। और एक फिफ्थ जो हमने टूल ये था कि इस सिलेक्टेड गांव में या टाउन्स में अगर कोई कम्युनल क्लैश का इंसिडेंस हुआ है तो उसके एविडेंसेस, वो क्या स्टोरी था, पूरी घटना क्या थी, वो तो उसके उस यानी जैसे मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं, सामने से कोई दूसरा मोटरसाइकिल लेके आया, टक्कर हो गई दोनों में और वहाँ से सीधा स्टोन बेल्टिंग चालू हो गया, घरों को जलाया, दुकानों को जलाया, तो फिर उसमें से कितने लोगों को पकड़ा, कौन सी कम्युनिटी के लोग थे, मुस्लिम के सामने कौन सी आईपीसी लगी, सामने वाला जो ग्रुप था उसके सामने कौन सी आईपीसी लगी, कितने लोग कन्विक्ट हुए, कितने को छोड़ दिया गया, तो वो सब पूरा एविडेंसेस पुलिस स्टेशन से हमने आरटीआई किए करके ये सब इंफॉर्मेशन लिया है। गवर्नमेंट से मैं जवाब मिल जाते थे। नहीं मिले, बहुत तकलीफ है, क्लियर जवाब कोई नहीं देता है। अच्छा, इसमें से एक नई बात ये भी जानने को आई कि हम जिसको कम्युनल क्लैश बोलते हैं इसको पुलिस की भाषा में इन लोगों ने कहा दंगा नहीं बोलते हैं, वो इसको बोलते हैं कम्युनल बनाव, यानी उसको जो दंगा अगर कहते हैं तो इसका एक लेवल अलग हो जाता है और बनाव कहते हैं तो उसका एकदम डाइल्यूट हो जाता है। तो उनके रिपोर्ट में उन लोगों ने ये लिख के दिया कि यहाँ पे कम्युनल बनाव हुए हैं, इस तरह से दंगा नहीं हुआ है। तो यानी पुलिस का भी एक ये जो है पॉलिटिकल इनका भी प्रेशर में ये लोग आके जो काम करते हैं, तो ये सब बातें इसमें से काफ़ी हमको जानने को मिली है। तो बेसिकली काफ़ी अभी जो प्राइमरी जो टेबल्स एनालिसिस के निकल के आ रहे हैं उसमें से ये क्लियर है कि जहाँ पे माइनॉरिटीज़ है वहाँ पे एक अलग तरह का एटमोसफियर है, जहाँ पे माइनॉरिटीज़ नहीं है वहाँ पे एक अलग तरह का एटमोसफियर है, दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, सर्विसेज में काफ़ी डिफरेंसेस हैं,
मुस्लिम जो बड़े एरिया है, जैसे टाउन की अगर बात करें हम, छोटे छोटे ब्लॉक लेवल के जो टाउन है, तो वहाँ पे स्कूल नहीं है, वहाँ पे आंगनवाड़ी नहीं है, जो सब सेंटर बोलते हैं हेल्थ में, हेल्थ का सब सेंटर होता है वो वहाँ पे नहीं है। तो ये सब काफ़ी इंफॉर्मेशन उसमें से निकल के आ रही है। एक लास्ट क्वेश्चन, आप लोग का इतना सब चल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डिवाइड करते हो? मतलब मेन तो इस ऑफिस में मीरा और आप है ना, किस तरह से? मेनली मेरा यानी मैं और मीरा, हमने दोनों ने कुछ काम डिवाइड किए हैं। जैसे अर्बन में एजुकेशन का जो काम है, एजुकेशन प्रोजेक्ट, राइट टू एजुकेशन प्रोजेक्ट, चाइल्ड राइट्स का जो प्रोजेक्ट है अर्बन में, वो मीरा देखते हैं। रूरल का जो प्रोजेक्ट है, सेम प्रोजेक्ट लेकिन रूरल में जो अभी चल रहा था, वो मैं देखता हूँ। पीस, हाँ, ये पूरे 80 विलेजेस, तो ये आपका होगा जो जो 80 विलेजेस जो ये हाँ, ये है? पूरा उसको कोऑर्डिनेट मैं करूँगा। फिर पीस और रिकन्सिलिएशन का जो पूरा प्रोजेक्ट और है, पीस एंड जस्टिस। पीस एंड जस्टिस जो अभी है, वो मैं देखता हूँ, कोऑर्डिनेट मैं करता हूँ। वोकेशनल यूथ के साथ जो वोकेशनल स्किल बिल्डिंग का जो पूरा प्रोजेक्ट प्रोग्राम है, वो मीरा देखते हैं। और इसके साथ जो एडोलेसेंट गर्ल्स का काउंसिलिंग, उनके साथ जो काम चल रहा है, एडोलेसेंट गर्ल्स के साथ, वीमेन के साथ जो काम चल रहा है, वो मीरा देखते हैं। तो इस तरह से हम दोनों ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिवाइड किया है अमंग अस। फिर हर प्रोग्राम के लिए एक कोऑर्डिनेटर है, हाँ, और उसके साथ नीचे फिर फील्ड में स्टाफ है। जैसे अर्बन का जो तो ये एजुकेशन, CFD के स्टाफ होंगे कहलाएंगे? हाँ, CFD का स्टाफ कहलाएंगे ये। ऑफिस में ये जो स्टाफ है चार ही हैं कितने मतलब? नहीं, ऑफिस में अभी जो चार हैं, दूसरे साजिदा बहन हैं, फिर रजनी है, सविता बहन है और यूनुस है, दूसरे चार लोग और हैं। और फील्ड में जो जाते हैं हम, जो एजुकेशन सेंटर्स वगैरह जहाँ पे चलते हैं, जो जिसको हम बाल दोस्त बोलते हैं, जो एजुकेशन सेंटर में रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, तो वो अभी बाल दोस्त हैं हमारे पास, हमारे प्रोग्राम वो में। बताए वहाँ पे जो झंडू का या का वो सारे वॉलंटियर्स कह रहे थे ना आप कुछ? वो वॉलेंटियर्स हैं, अच्छा, दे आर नॉट पेड, लेकिन तीन जो बंदे हैं हाँ वो पेड हैं। वो कहाँ पे होंगे? वो दंदुका में दो झंडुका हैं, में? हाँ, दंदुका में ही है, और एक एक जो है बावला में है। अच्छा, वो बाकी नेबरिंग विलेजेस को देखते हैं सारे जो ये यस, उसमें वॉलंटियर्स हैं? उसमें फिर वॉलेंटियर्स हैं। और मंथ में एक मरतबा हमारा मीटिंग होता हाँ, है, मत में एक बार मीटिंग है। स्टाफ मीटिंग होता है, वो आते हैं या कैसे? वो कहाँ लोग यहाँ पे आते हैं, तो मंथ में एक बार वो लोग आते हैं, मीटिंग जब होती है यहीं पे ऑफिस में होती है, टिपिकली, कब होती है वो? एवरी फर्स्ट सैटरडे। तो सब लोग वो आते फिक्स हैं? है, हाँ, सबका वो टाइम पूरे कैलेंडर में लिखा हुआ होता है, फर्स्ट सैटरडे तो स्टाफ मीटिंग है। तो वहाँ पे सब अपना रिपोर्टिंग करते हैं कि ये मंथ में मैंने क्या किया, तो कुछ पूरा ऑलमोस्ट हाफ अ किया, डे, वन फुल डे, डे, फुल डे, फुल डे। और क्या हर्डल्स है, मुझे क्या इश्यूज है। अगर लंबा यानी कुछ ज़्यादा डिस्कशन का लगता है मुद्दा पॉइंट, तो फिर नेक्स्ट डे हम लोग उनके साथ इंडिविजुअली बैठते हैं और फिर उसको सॉर्ट आउट करते हैं। चलिए, मेरे को काफी आइडिया लग गया। SMC फॉर्मेशन हमने किया था 2008 में, RTE आया 2009 में, बोला, लेकिन हमने डमी डमी नहीं, एज अ मॉडल SMC हमने 2008 में फॉर्म कर दिया था, और 2008 से उनको हमने ट्रेनिंग देना शुरू किया था। तो जब 2009 में SMC बनना शुरू हुआ, तो टीचर्स, फिर जो ब्लॉक लेवल का जो सुपरवाइजर होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनसे ज़्यादा पता SMC के लोगों को था कि SMC क्या है और हमारी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो नाना तरड़िया गांव में गांव के लोगों ने ये तय किया कि SMC जो होगा, ये जो बनाया है CFD ने SMC, वो SMC है, हम लोग एडॉप्ट करते हैं। तो वो SMC एडॉप्ट हुआ, उसमें काफ़ी इश्यू भी आए, क्योंकि प्रिंसिपल का ऑलरेडी एक ट्रेनिंग हो चुका था सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से गांधीनगर में, तो उनको ये पता चल गया था कि अगर SMC मजबूत होगा तो मेरे जो पावर हैं मेरा, वो सब पावर चले जाएंगे, मैं उसको एंजॉय नहीं कर पाऊँगा। तो उसने काफ़ी विरोध किया, उसका अपोज किया, लेकिन लोगों ने सुना नहीं, और ये पूरी जो SMC थी जो हमने बनाई थी, वो SMC वहाँ पे आ गई।
उसके बाद इन लोगों ने उसका जो ग्रांट आती है उसका रजिस्टर मेल आओ, कितने पैसे आए, कहाँ पे खर्च किए, खर्च किए तो इसका वाउचर कहाँ पे है, बिल कहाँ पे है, जो टीचर्स आते हैं वो कितने बजे आते हैं, कितने बजे उनको आना चाहिए, एवरीथिंग उन लोगों ने मॉनिटरिंग करना शुरू किया। और उसमें से काफ़ी बिल जो थे वो गलत बिल भी निकले, काफ़ी करप्शन भी उसमें से निकल के आया। दूसरा ये भी हुआ कि ग्रांट का जो ग्रांट आती है बैंक के अकाउंट में आती है, हर स्कूल का अकाउंट होता है, जो प्रिंसिपल और SMC का जो प्रेसिडेंट होता है उसके सिग्नेचर से ऑपरेट होता है, दोनों का सिग्नेचर कंपलसरी है। तो वो जो ग्रांट आता है उसका इंटरेस्ट आप यूज़ नहीं कर सकते, उसका इंटरेस्ट अगर यूज़ करना है आपको तो DEO का परमिशन लेना पड़ेगा। तो इन लोगों ने क्या किया था कि वो जो इंटरेस्ट था वो भी विड्रॉ कर लिया था विदाउट इन्फॉर्मिंग DEO और परमिशन। तो वो सब SMC ने उसमें से निकाला और वो अमाउंट हो गई करीब 2.5 लाख रुपया, इट्स अ ह्यूज अमाउंट फॉर विलेज स्कूल, 2.5 लाख रुपया। तो ये पूरा मुद्दा फिर DEO के पास गया और पूरा हमने उसको फैसिलिटेट किया कि आपको कैसे करना है, क्या एप्लीकेशन लिखना है, किसको लिखना है। अच्छा। और उसमें फिर काफ़ी वहाँ पे गर्मा गर्मी परेशानी हुआ उसके। तो ये सब चल रहा था, उसमें एक टीचर का ट्रांसफ़र हो गया इसमें से। 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग होता है कंपलसरी स्कूल में। अब उस रोज़ ये हुआ था कि 14 अगस्त को पानी गिरा, तो बारिश आया है, तो बारिश में की वजह से उस 15 अगस्त को कोई भी स्टाफ स्कूल में नहीं आया। जो पेरेंट्स थे वो लोग स्कूल में गए, बच्चे स्कूल में गए, SMC के लोग स्कूल में गए, लेकिन कोई स्टाफ नहीं आया, स्कूल भी बंद था। तो फिर SMC के जो प्रेसिडेंट थे उसने फ़ोन किया प्रिंसिपल को कि भाई आज 15 अगस्त है, आप लोगों को फ्लैग होस्टिंग करना है, हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, आप लोग क्यों नहीं आए। तो उसने एकदम उड़ाऊ यानी जवाब दे दिया कि भाई आज कोई आने वाला नहीं है, तुम्हारे करना हो तो तुम करो। तो उस वक्त उन लोगों ने प्रोग्राम पूरा कर लिया, लेकिन ये फिर मुद्दा लेकर के पॉइंट लेकर के इन लोगों ने किया कि हमको इनके सामने एक्शन लेना है। तो फिर इनका पूरा एप्लीकेशन ड्राफ्ट किया और DEO के पास दिया। DEO ने इनको चारों को बुलाया, 8 लोग थे, 8 लोगों को बुलाया, उसमें से 4 को सस्पेंड किया और बाकी के जो 4 थे उनका जो इंक्रीमेंट आता है वो इंक्रीमेंट इन लोगों ने बंद कर दिया। आज तक कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, 3 साल हो गए। इसका इफेक्ट बहुत बड़ा हुआ, आजू बाजू के गाँव में भी हुआ, क्योंकि जब टीचर्स मिलते हैं वो लोग तो शेयरिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत होती है उनकी। तो इसका प्रेशर SMC के ऊपर आया, तो लोकल ब्लॉक लेवल का जो शिक्षण संघ होता है, इनका फेडरेशन होता है टीचर्स का, उन लोगों ने प्रेशर क्रिएट किया SMC के ऊपर के तुम टीचर तो गुरु होता है, तुम इसके सामने ऐसा क्यों करते हो। पहले सेंटिमेंटल बातें शुरू की, उन लोगों ने क्या कि हम भी यही मानते हैं कि टीचर हमारा गुरु होता है, इनको सिखाना चाहिए, इनको मान देना चाहिए, माँ बाप के बाद गुरु ही है। लेकिन जब ये इस तरह की भाषा लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो फिर हम लोग ने ये एक्शन लिया, हमने कुछ गलत यूज़ नहीं किया है लैंग्वेज, कोई गलत हमने वर्ड नहीं यूज़ किया है, हमने सिर्फ एक्शन लिया है और ये जो डिसीजन है वो तो आपके डिपार्टमेंट का है सस्पेंड कराने का। तो वो इश्यू चल रहा। इसके साथ ये हुआ कि उसी गांव में स्कूल का एक्सटेंशन का बिल्डिंग एक्सटेंशन का ग्रांट अप्रूव हुआ। ग्रांट आया करीब 14 लाख्स, बोला उसमें से 2 रूम बनाने थे। SMC ने ये तय किया कि कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं आएगा, SMC के जो लोग हैं वो खुद मकान बनाएंगे उनके सुपरविज़न में, ताकि इसकी क्वालिटी इसकी क्वालिटी है वो हम लोग मेंटेन कर सकें। अब ये था कि उस एरिया में जितने भी एक्सटेंशन और स्कूल के कंस्ट्रक्शन के काम है वो वहाँ का फॉर्मर MLA है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसका कॉन्ट्रैक्ट चलता है वहाँ पे, उसके लोग हैं। तो ये बात गई, उसका नाम है रणछोड़ मेयर, तो उसके पास ये बात गई कि SMEI गांव के लोग बोलते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, तो उसने बोला कि किसकी ताकत है। तो उसने क्या किया कि रातों रात वहाँ पे एक ही दिन में ब्रिक्स सैंड वो सब उसके पैसे से लाके वहाँ पे डंप कर दिया, और दूसरे दिन एक टीम लगा के उसके लिए एक्सकेवेशन भी शुरू कर दिया। उसके पास प्लान आ गया डिपार्टमेंट से
सेंक्शन हुआ प्लान। अब ये एसएमसी को किसी को पता नहीं, दूसरे दिन जब ये सब मटेरियल आया तब उनको पता चला कि भाई ये तो काम इसने शुरू कर दिया, इसको कैसे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। तो इन लोग ये गए टीडीओ के पास, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास ये लोग गए और उससे पूछा। तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहता है कि हाँ ये सेंक्शन हो गया है और इनको मिला है। तो एसएमसी ने बोला कि हमारा रिजोल्यूशन के बगैर इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सकता, ये तुम्हारे राइट में नहीं है, ये हमारे हक में आता है कि हम किसको अप्रूव करें, वो एसएमसी के रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, इसको बंद करवाओ। तो काम बंद नहीं हुआ, फिर ये पता चला और रणछोड़ मेयर को, तो उसने उसके लड़के को भेजा वहाँ पे और उसने हंगामा किया स्कूल में आके, एसएमसी के लोगों को बुला के उसने गाली गलौज सब किया। एसएमसी के जो प्रेसिडेंट है वो चंदू भाई, उसने मेरे को फ़ोन किया कि रफी भाई ऐसा ऐसा हुआ है और ये सिचुएशन है। मैंने कहा आप फ़ौरन यहाँ पे आ जाओ, जितने भी एसएमसी के लोग हैं वो सबको लेके तुम यहाँ पे आओ, हम डायरेक्ट डीओ से मिलेंगे और कलेक्टर से मिलेंगे। तो वो 14 लोग आने की बजाय 30 लोग आ गए, जो दूसरे पेरेंट्स थे वो भी आ गए, दो गाड़ी जीप लेके लोग आ गए यहाँ पे। फिर यहाँ पे इनका मेमोरेंडम पूरा हमने तैयार किया, डीओ मुझे जानता था, जानते हैं जानी साहब करके हैं, तो मैंने जानी साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसा ऐसा है जानी साहब और ये लोग आए हैं आपसे मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है नहीं उनको भेज दो। तो पूरा 30 लोग गए ऑफिस में, सब घुस गए, इतनी ऑफिस है उनकी, सब घुस गए अंदर, जो जो इश्यूज थे सब मेमोरेंडम में लिखे हुए थे, पॉइंट बाय पॉइंट इन लोगों ने वहाँ पर प्रेजेंट किया। डीओ ने फ़ोन किया इसको तालुका विकास अधिकारी को कि ये काम अभी ने अभी बंद करवा दो और वहाँ पे नोटिस लगाओ कि डीओ की परमिशन के बगैर ये काम स्टार्ट नहीं होगा, रिज्यूम नहीं होगा। प्रिंसिपल को बोला, डायरेक्ट फ़ोन किया स्कूल के प्रिंसिपल को कि ये काम अभी तुम बंद करवा दो वहाँ पे। तो तब से वो काम बंद पड़ा है, आज करीब 3 महीना हो गया है। लेकिन एसएमसी जो है वो ऐसा कहती है कि ये काम हम करेंगे क्योंकि क्वालिटी हमको मेंटेन करनी है। तो ये एक खाली एग्जांपल है, इस तरह के दूसरे इनिशिएटिव्स दूसरे गाँव में भी लोगों ने लिए, झांझर का है, सरवाड़ है, अडवाल है, रोज का है, फिर काठा के हम लोग गाँव बोलते हैं, उस तरफ के जो गाँव हैं। यानी अभी तक एसएमसी लोगों को पता नहीं था कि हम लोग इतना अच्छा काम हमारे गांव के स्कूल के लिए कर सकते हैं। तो एटलीस्ट ये एक रियलाइजेशन होने के बाद उन लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है। उसके बाद अभी ये भी हुआ कि एक जो सस्पेंड हो गया था टीचर, उसने एसएमसी के प्रेसिडेंट को स्कूल में बुला के उसको स्टोन, वो ईंट पड़ी हुई थी ब्रिक, वो उसके सर में मारी तो उसको खून निकलना शुरू हुआ। फिर अगेन उसने, उनके बड़े भाई ने मुझे फ़ोन किया कि ऐसा इंसिडेंस हुआ है। तो हमारे जो कोऑर्डिनेटर है, मैंने तुरंत दोनों को वहाँ पे भेजा कि तुम वहाँ पे पहुँचो। वो लोग वहाँ पे गए, उनको लेकर के धंधु का जो सिविल हॉस्पिटल है उसमें एडमिट करवा दिया, उनका पुलिस केस करवा दिया, एफआईआर के अंदर कौन सा कलम उसमें डालना, आईपीसी, वो सब यहाँ से उनको गाइड किया। तो इस तरह से उन लोगों ने पूरा एफआईआर वहाँ पे कर दिया है। और वो जो बंदा था टीचर, उसको सैटरडे को उन लोगों ने अरेस्ट किया पुलिस ने, संडे तक रखा, मंडे को उसको जामीन मिल गया, छूट गया वो। लेकिन 24 आवर्स से ज़्यादा वो जेल में रहा है, पुलिस स्टेशन में रहा है। तो उसकी सर्विस के ऊपर अब क्वेश्चन हम लोग, यानी यही एसएमसी अब वो करने वाली है। और वो है, वो संकी टाइप का आदमी है, उसका बड़ा भाई है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही है, अच्छी पोस्ट पर है। तो उसको ऐसा है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन एसएमसी काफ़ी स्ट्रांग है वहाँ पर। तो यानी एक चेंज अगर आप लाना चाहते हैं तो ये नाउ इट इज़ अ टूल, तुम्हारे हाथ में है वो ताकत कि तुम कर सकते हो। अब कितना कर सकते हो, कितने स्ट्रांग हो, तो वो थोड़ा अवेयरनेस आने के बाद, थोड़ा इस तरह की बातें सुनने के बाद लोगों में कॉन्फिडेंस आता है। तो आपने जैसे ये जो एसएमसीज को एम्पावर या तो किया है या फील करते हैं, तो ये आपने समझाया है इन लोगों को कि आपकी ये पावर है इनमें? यस, उनको समझाया है, उनको आरटी के अंडर में ये सब, जैसे एसएमसी ने कहा कि भाई बिल्डिंग तो हम बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हम लेंगे, उनको ये पावर है? यस, मेसन जो रखा है वो सब, यस उनको पावर है।
स्कूल के बारे में जो भी है, स्कूल डेवलपमेंट प्लान जो है एट दैट लेवल, लोकल लेवल, यस यस, स्कूल डेवलपमेंट प्लान जो बनाना है वो एसएमसी को बनाना है, और उनको ये भी फोरकास्ट करना है कि मेरे गांव का इतना पॉपुलेशन है, अगले 5 साल के अंदर कितने बच्चे स्कूल में आएंगे, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होता है तो वो भी फोरकास्ट करके ये कह सकते हैं कि मेरे को 3 साल के बाद और 2 रूम का जरूर पड़ेगा, तो वो अभी से डिमांड वहाँ पे रख सकते हैं। इसमें स्ट्रक्चर पूरा उल्टा हो गया है आरटी आने के बाद। पहले ये था कि स्टेट से डिस्ट्रिक्ट में आता था, डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक में आता था, और वहाँ से फिर स्कूल में जाता था बजट। अब ये है कि स्कूल में एसएमसी बजट बनाएगी, वो ब्लॉक में भेजेगी, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में जाएगा, और वहाँ से एलोकेशन अकॉर्डिंग टू डिमांड होगा। ये पूरा उल्टा स्ट्रक्चर हुआ है। तो एसएमसी का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्कूल डेवलपमेंट। अगर टॉयलेट नहीं है, गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट है लेकिन वर्किंग कंडीशन में नहीं है, पानी की लाइन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फ्लोर नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, एवरीथिंग, सब कुछ बदलना, सब कुछ नया करना, रिपेयर करना, वो सब एसएमसी के इसमें आता है, कंट्रोल में है अभी। इसी वजह से स्कूल का स्टाफ और एसएमसी के बीच में हमेशा घर्षण रहता है, क्योंकि अभी तक उनको कोई पूछने वाला नहीं था। नहीं,